नोवल कोरोना वायरस संक्रमण से जूझ रहे भारत समेत दुनिया के तमाम देश इससे बचाव के लिए वैक्सीन की ढील कर रहे हैं। कई देश में तो वैक्सीन की खेप पहुंच भी चुकी है और इस माह के अंत तक लोगों को मिलना भी शुरू हो जाएगी। इस क्रम में भारत ने 160 करोड़ डोज ऑर्डर किया है। इसके साथ ही वैक्सीन के लिए सबसे अधिक ऑर्डर देने वाला भारत दुनिया का सबसे पहला देश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा, करीब 8 वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है जिनके निर्माण के लिए भारत में आश्वासन दिया जा चुका है। भारत के 3 वैक्सीन विभिन्न स्टेज में हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि वैक्सीन अधिक दूर नहीं है। पुणे स्थित में सीरम इंस्टीट्यूट में वैक्सीन की टेस्टिंग कराने वाला ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के साथ भारत ने डील की है और सबसे अधिक वैक्सीन के डोज यहीं से मिलने वाले हैं। डील के तहत एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की 50 करोड़ डोज भारत को मिलने वाली है। नोवावैक्स ने भी कोविड-19 वैक्सीन विकसित की है। इसके साथ हुई डील के तहत भारत ने 1 बिलियन डोज का ऑर्डर किया है। भारत ने रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी के 10 करोड़ डोज के लिए डील की है। बता दें कि इस वैक्सीन का अंतिम ट्रायल भारत में जारी है। इंडियन प्राइम न्यूज से ब्यूरो रिपोर्ट।